है, पंजाब ने भी तगड़ा मुकाबला किया है, राजस्थान रॉयल्स ने भी तगड़ा मुकाबला किया है। आप देखें, पहले राजस्थान रॉयल्स ने उनको बड़े कम मार्जिन पर रोक लिया, फिर उसके बाद पंजाब ने उनको आखिर तक जो है वो रोक के रखा और आउट भी, विकेट्स भी ली। और मैं कहता हूं कि दोनों साइड की अस्सलाम वालेकुम सर, आज के मैच की बात करेंगे। राजस्थान रॉयल्स ने पंजाब को हरा दिया, काफी टफ मुकाबला रहा, लास्ट बॉल तक जो है मैच रहा, बट राजस्थान रॉयल्स जीत गया। क्या कहना चाहेंगे आज की परफॉर्मेंसेस के बारे में? यार आज का मैच जो है ना, वो किसी भी, मैं एक टीम को नहीं कहूंगा कि भाई उसने अच्छा खेला, दोनों टीम ने बड़ा जबरदस्त तगड़ा मुकाबला किया है, पंजाब ने भी तगड़ा मुकाबला किया है, राजस्थान रॉयल्स ने भी तगड़ा मुकाबला किया है। आप देखें, पहले राजस्थान रॉयल्स ने उनको बड़े कम मार्जिन पर रोक लिया, फिर उसके बाद पंजाब ने उनको आखिर तक जो है वो रोक के रखा और आउट भी, विकेट्स भी ली। और मैं कहता हूं कि दोनों साइड की बॉलिंग साइड ने जो है वो डोमिनेंट रखा एक दूसरे की बैटिंग साइड के ऊपर, तो लेकिन लास्ट में जो है वो हर्षदीप सिंह 10 स्कोर नहीं बचा पाए, पहले दो बॉल्स डॉट की, मैंने कहा यार शायद कि ये बंदा जो है वो सेव कर जाए, लेकिन आगे शिमरॉन खड़ा हुआ था भाई, शिमरॉन ने एक 6 मारा, 2 मारा, फिर जो है वो 6 मार दिया, मतलब उसने 3 बॉलों के अंदर बॉल खत्म कर दी। मुझे ये था 47 का टारगेट बहुत कम नहीं है, कम था, इसलिए तो कह, दोनों साइड्स की, पंजाब की भी और राजस्थान की भी, दोनों साइड्स की बॉलिंग साइड ने बड़ा डोमिनेंट किया, जिस वजह से जो है वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आज टाकरा देखने को मिला और कम स्कोरिंग मैच देखने को मिला और आखिरी ओवर तक मैच देखने को मिला। अगर पहली साइड जब बात करें तो सैम करन ने अच्छा परफॉर्म किया, उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने अच्छा परफॉर्म किया, मतलब कि अगर आप ओवरऑल स्टैट्स देखेंगे ना, हर प्लेयर ने जो है वो बॉलिंग में एक एक या दो दो विकेट्स उन्होंने ली हुई हैं, तो आज का मैच वाकई जो है देखने का मजा है। आईपीएल का यही तो जलवा है यार, बड़ा स्कोर हो तब भी डिफेंड होने के चांसेस होते हैं, छोटा स्कोर तब भी डिफेंड होने के काबिल होते हैं। मैं तो सपोर्ट कर रहा था पंजाब को, यार पीटी झंडा को जीतना चाहिए था, राजस्थान रॉयल्स तो ठीक है जीता हुआ है, एक मैच अभी तक हारा है, तो मैं चाह रहा था कि पंजाब को, पंजाब जीत जाता यार पीटी झंडा को भी तो थोड़ी बहुत खुशी मिलनी चाहिए थी, लेकिन पीटी झंडा की खुशी जो है सेकंड लास्ट ओवर तक बस बरकरार रही है, उसके अलावा जो है वो, हालांकि पंजाब जीता हुआ मैच था, लग रहा था कि यार उन्होंने बड़ा प्रीति जंटा का मैच आ रहा था कि यार बड़ी खुश हो जाए, लेकिन उसकी खुशी जो है वो सेकंड लास्ट ओवर तक ही कायम रही। हर्षदीप के ऊपर मुझे बड़ी उम्मीद थी क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी जो है वो 5-10 स्कोर जो है वो डिफेंड किया हुआ है, मुझे ये था कि यार ये आईपीएल का और बड़ा मैच है, बचा लेगा यार 10 स्कोर को, इतना जो है वो ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मतलब नॉर्मल है, स्कोर बचा लेगा, लेकिन 2 बॉलें बीट की उसके बाद उसने सारे ख्वाबों के ऊपर पानी फेर दिया। जसवाल की तरफ आते हैं, आज उन्होंने अपना हाईएस्ट स्कोर किया आईपीएल का 39, जसवाल नहीं परफॉर्म, जसवाल बड़ा अनलकी रहा है इस आईपीएल के अंदर, लेकिन आज उसने अपना कुछ जो थोड़ा सा परफॉर्म किया, तो होपफुली आज की थोड़ी परफॉर्मेंस उसको मोटिवेशन दे, थोड़ा बूस्ट दे। 39 स्कोर था, अच्छा स्कोर था, लेकिन यह कि जो है पंजाब की, जो राजस्थान की जो टीम है उसको प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें अभी कई प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन आज का मैच देखने का मजा आया। आईपीएल की अगर बात की जाए तो आईपीएल के अंदर 147 का टारगेट है, मुझे तो लगता है आप क्या कहेंगे कम है, और उधर से 200 प्लस का टारगेट जब हो तब टाकरे का ज़्यादा मज़ा आता, पर आज का मैच कम स्कोर होने के बावजूद बड़ा टाकरे वाला लगा। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए तो पंजाब आईपीएल की ये खूबसूरती है कि आईपीएल के अंदर जितनी भी टीमें हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, वो दुनिया के टॉप क्लास प्लेयर्स लाए हुए होते हैं, और अगर कम टारगेट वाला भी मैच होता है तो वो उसको डिफेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं और आखिरी बाल तक मुकाबला जाता है। इसीलिए तो आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, क्योंकि इसके अंदर आपको एक मोमेंट में एक टीम जीती हुई नज़र आती है, एक मोमेंट में दूसरी टीम जीती हुई नज़र आती है, कभी सांस ऊपर नीचे होते रहते हैं, तो यही आईपीएल की खूबसूरती है, और मैं इसीलिए आईपीएल को सपोर्ट करता हूँ, और इसीलिए कहता हूँ कि भाई बड़े, आपने पीएसएल में भी जो है वो बड़े प्लेयर्स को लेके आओ, ताकि आपके जो जूनियर प्लेयर्स हैं पाकिस्तान के, वो भी बड़े प्लेयर्स के साथ खेल के एक्सपीरियंस हासिल करें, और आप जैसे इंडिया टैलेंट निकाल रहे वैसे पाकिस्तान में निकाल। टॉप 4 टीमें किन को देखते हैं आईपीएल के अंदर? मैं देख रहा हूँ चेन्नई सुपर किंग, उसके बाद मुंबई इंडियंस, और उसके बाद केकेआर, और राजस्थान रॉयल्स। आरसीबी का दुख है, आरसीबी अब बस 16 साल हो गए हैं, 17 साल हो गए हैं विराट कोहली को, अब मेरे ख्याल में विराट कोहली को टीम चेंज कर लेनी चाहिए, होपफुली वो चेंज कर लेंगे, और नेक्स्ट सीजन अगर चेंज करेंगे, और अगर होंगे नेक्स्ट सीजन में, तो मुझे उम्मीद है कि वो विराट कोहली की टीम ही जीतेगी। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, आज के मैच की बात करेंगे, राजस्थान रॉयल ने पंजाब को हरा दिया, बड़ा ही टफ मुकाबला हुआ, इतना छोटा सा टारगेट था 147, और आप देखिए किस तरीके से राजस्थान रॉयल ने बड़े कम्पीट करके लास्ट बॉल तक मैच गया और फंस गया था मैच। कैसी लगी परफॉर्मेंस राजस्थान रॉयल की? यार आज वैसे मैच का मज़ा बहुत आया, बहुत मज़ा आया, आज लग नहीं रहा था कि पंजाब हार जाएगा, जिस तरह बिल्कुल ठीक आपने बहुत खूबसूरत कहा है कि टारगेट बहुत कम था, और फिर भी टारगेट उन्होंने कर दिया, और एंड की भी बॉल पे आके उन्होंने जो जिस तरह वो करवा दिए सिक्सर मारा, और उसने भी आगे से जैलों की तरह वो बहुत दूसरी मारी, सॉरी फुल टॉस बॉल करवा दिए, उस पर तो सिक्स लगना ही लगना था। हर्षदीप सिंह एक बहुत बड़ा बॉलर है, पर हर्षदीप सिंह 10 स्कोर तो डिफेंड करना चाहिए था बट नहीं कर पाया। यार करना चाहिए था, असल पता नहीं क्या प्रेशर ले चुका था पंजाब का और क्या सीन था, लेकिन मैच का आज कोई कह लें कि बड़ा दुख हुआ है, मेरा जो दिल था ना कि वो पंजाब जीतना चाहिए था, और पंजाब हार चुका है।
राजस्थान रॉयल की अगर बात करें, अभी तक एक मैच हारा राजस्थान रॉयल, बड़े अच्छे तरीके से टीम जा रही है आईपीएल के अंदर, आपको क्या लगता है कि राजस्थान रॉयल की परफॉर्मेंसेस कैसी है? यार बहुत अच्छी है उसकी, बहुत अच्छी है। कह लें कि आपको भी पता है कि आईपीएल के अंदर कोई भी ऐसा मैच वो नहीं हारी, और इस वक्त भी कह लें कि वो आखिरी बॉल तक भी उनका वो खेलते रहे, और एक एक बॉल पे कह लें कि मैच चेंज होता हुआ नज़र आता रहा है कि हार रहा है जीत रहा, हार रहा है जीत रहा, आखिरी बॉल तक वो मैच लेके गए हैं। और उनकी ओवरऑल कह लें कि आज असल उनकी ना बॉलिंग चल गया, आज दोनों टीमों की कह लें जो मेन थी बॉलिंग थी, बैटिंग तो आज कुछ भी नहीं, बैटिंग ना उनकी तरफ से कोई इतनी कोई खास चली है ना दूसरी टीम की तरफ से चली है, आज बॉलिंग जो आज मैच असल बॉलिंग का था, आज बैटिंग का कोई मैच नहीं था। जसवाल की बात करते हैं, 200-200 स्कोर मारते थे, बट अगर हम आईपीएल के अंदर देखें तो अभी तक 39 स्कोर उन्होंने आज के मैच में हाईएस्ट स्कोर किया, जसवाल क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? जसवाल पता नहीं यार, असल जसवाल जिस तरह जितना नाम था, और पता है नाम की वजह से जसवाल को नज़र लग चुकी है, क्योंकि जसवाल जिस तरह अब शुरू से एक नाम था और एक टीम में भी था, और बाकी सारे फ़ैन वगैरह भी जसवाल का देखने के लिए मैच वगैरह का था, लेकिन इस दफ़ा वो इतना नहीं चल पाए, और बाकी देखो बैड लक चल रही है। अब क्या आईपीएल में कौन सी टीम आप देखते हैं जो टॉप 4 के अंदर आती नज़र आ रही है आपको? यार मेरी तो जो फेवरेट थी ना, मुझे तो वही लगती है, पंजाब थी और सीएसके थी, और एक वो दूसरी थी राजस्थान रॉयल। आरसीबी थोड़ा दुख दे रही है एक मैच में। आरसीबी की यार बहुत बैड लक चल रही है आरसीबी की, कह लें कि पता नहीं विराट कोहली की किस्मत में नहीं है, क्योंकि विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, हम चाहते भी हैं विराट कोहली जीते, लेकिन विराट कोहली की मुझे लगता है कि शायद इस साल तो बहुत, विराट कोहली को आरसीबी छोड़ देनी चाहिए मुझे लगता है, विराट कोहली के लिए आरसीबी टीम नहीं है, विराट कोहली किसी और टीम को चूज कर ले वो ज़्यादा बेहतर है, आरसीबी की टीम विराट कोहली के लिए बिल्कुल कह लें कि नहीं। थैंक यू सर।